अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है लॉगरिथम और आपको पता है कि चैप्टर का नाम भी लॉगरिथम है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि लॉगरिथम के कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम है लॉगरिथम। सबसे पहले कि व्हाट इज लॉगरिथम। इट इज़ अ यूजफुल टूल फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कैलकुलेशंस। यानी जैसे कि डेफिनेशन से पता लग रहा है कि एक्यूरेट और रैपिड यानी फास्ट कैलकुलेशंस के लिए हम लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्योंकि इसमें यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने डायरेक्ट एक्सरसाइज करनी है, बस बेसिक चीज़ें देखते हैं कि इट इज़ अ यूजफुल टूल फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कैलकुलेशंस। अब आगे देखते हैं लॉगरिथम की जो कुछ टाइप्स हैं और इसके बारे में देखते हैं कि आइडिया ऑफ लॉगरिथम दिया था एक मुसलमान मैथमेटिशियन मूसा अल-ख्वारिज़्मी ने। अब दो टाइप्स के लॉगरिथम होते हैं, एक होता है कॉमन लॉगरिथम और एक होता है नेचुरल। कैसे पता लगेगा? इसकी बेस 10 होती है और इसकी बेस ई होती है, दोनों की बेस में फ़र्क है। और कॉमन लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट प्रोफेसर हेनरी ब्रिग्स ने दिया था जबकि नेचुरल लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट जॉन नेपियर ने दिया था। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है और नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई होती है, यानी ये एमसीक्यूज के लिए आपको काम आएगा। फिर लॉगरिथम ऑफ अ रियल नंबर। अब इसकी डेफिनेशन के लॉगरिथम होता क्या है, एक रियल नंबर का लॉगरिथम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर आपको समझाता हूँ। इसकी डेफिनेशन है इफ ए रेज द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई। यानी अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चीज लिखी हुई है, एक मिनट, इफ ए रेज द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई देन एक्स इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ वाई। यानी जो इसका एक्सपोनेंट है ये लॉगरिथम है किसका, इसका वाई का। तो उसको हम पढ़ते हैं x इज कॉल्ड द लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a। ये जो a है नीचे, क्योंकि देखें ये एक्सपोनेंट है ये बेस है, तो इसकी पूरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ a रेज द पावर x इज इक्वल टू y देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ y टू द बेस a, जबकि उसकी बेस a होगी। अब आगे एंड इज रिटन एज लॉग विद बेस a y इज इक्वल टू x। यानी ये इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म है और ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इन दोनों को समझने का मकसद क्या है, ये देखें आगे भी बता देता हूँ। वेयर एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, यानी जो एक्स का जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और ए इज नॉट इक्वल टू वन, जो ए की वैल्यू वो वन नहीं होनी चाहिए। एंड वाई इज ग्रेटर देन जीरो, यानी तीन कंडीशन है कि ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, इसको पढ़ेंगे एक्स इज अ लॉगरिथम ऑफ वाई टू द बेस ए, ये इसकी लॉगरिथम बेस है, लॉगरिथम फॉर्म है, लॉग टू द बेस ए वाई इज इक्वल टू एक्स। जो इसमें बेस है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी यानी पॉजिटिव होगी, और वाई की जो वैल्यू है वो भी हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी यानी पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। और जो ए है यानी जो बेस है वो हमेशा वन के अलावा कुछ भी हो सकती है। अब मजीद इसको समझने के लिए दो एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि एक में बताएंगे कि जी एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हो, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। इसका भी समझना जरूरी है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो हमें लॉगरिथमिक फॉर्म दी होती है तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे ये ए रेज द पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा ए रेज द पावर एक्स इज इक्वल टू एन, जैसे ये था एक्स इज अ लॉगरिथम ऑफ वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज अ लॉगरिथम ऑफ एन। अब जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जो बेस है वो हमेशा बेस में आएगी, यानी लिखेंगे लॉग विद बेस ए, और ये जो एन है यानी ये x इधर आ जाएगा और n जो है इधर आ जाएगा इसके ऊपर। सो log विद बेस a n इज इक्वल टू x। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इफ z रेज द पावर इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब है ये z जो है इसकी बेस में आ जाएगा, log टू द बेस z x इज इक्वल टू y। अगर हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, log विद बेस a n इज इक्वल टू x, यानी ये a जो है बेस, ये देखें बेस में आ जाएगी, और ये जो x है ये हमेशा एक्सपोनेंट बनेगा, ये देखें, और ये जो n है जो नंबर है ये हमेशा दूसरी साइड पे आ जाएगा। ये आपने समझना है कि जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो तो लॉगरिथमिक फॉर्म ऐसे बनाएंगे, अगर लॉगरिथमिक फॉर्म दी हो तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे ट्रांसफर करें। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 3.2। बहुत ध्यान से समझने वाली एक्सरसाइज है क्योंकि बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और थोड़ा सा इसमें मैनुअल काम भी ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए कोशिश करूँगा कि इस एक्सरसाइज को हम दो वीडियो लेक्चर्स में कवर करें
ताकि जो पहला लेक्चर होगा हमारा जो मैं कर रहे हैं उसमें कोशिश करूँगा कि फर्स्ट फोर क्वेश्चन करवाऊँ आपको, फिर पाँचवा छठा या चौथा पाँचवा छठा सेकेंड लेक्चर में करेंगे। एक्सरसाइज तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या है, जिसकी बेस 10 होती है। अच्छा एक और बात याद रखनी है, जो बेस 10 है वो लिखी जाए या ना लिखी जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला क्वेश्चन है 232.92। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्योंकि इसका हमने लॉग लेना है, लिखेंगे टेकिंग लॉग, यानी 232.92 के साथ वर्ड लॉग लगा देंगे। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ गौर से देखनी है, ध्यान से समझना है कि ये फाइव डिजिट्स हैं इसमें 232.92। जब भी हमने लॉग इसका कैलकुलेट करना है टेबल की मदद से, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं लेकिन उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि लिखा हुआ है कि हमने इसको टेबल से करना है। यहाँ पे इसकी हमने वर्किंग करनी है। शुरू में आपको वर्किंग सिखाऊंगा, जब आपको समझ आ जाएगी तो फिर आप बगैर वर्किंग के भी काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखना होता है, ये समझना आपने कि एक लॉग की वैल्यू जो होती है उसमें दो हिस्से हैं। ये एक हिस्सा है 232 यानी डेसिमल से पहले का, और एक डेसिमल के बाद 92। द पार्ट ऑफ द लॉगरिथम बिफोर डेसिमल, जो डेसिमल से पहले वाला हिस्सा इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक, और जो डेसिमल के बाद वाला इसको कहते हैं मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है और मेंटिसा कैसे निकालना है, इसका भी तरीका आना चाहिए। अभी मैंने जब आपको 3.1 करवाई थी उसमें साइंटिफिक नोटेशन का बताया था कि किस तरह से डेसिमल बैकवर्ड जाता है तो एन की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, डेसिमल फॉरवर्ड जाएगा तो एन की वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं। वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कैरेक्टरिस्टिक के लिए, और आपको एक उसका सेकेंड मेथड भी बताऊँगा कि अगर वो ना समझ आए तो हम कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिखेंगे इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगा, जो डेसिमल वाला नंबर है डेसिमल से पहले 232, ये कितने नंबर ऑफ डिजिट है, 3, तो इसका अगर फार्मूला देखा जाए तो होता है n-1, और n का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल, कि डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं, 3, तो 3-1 किया ये फार्मूले का मान, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब अगर हम इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, साइंटिफिक नोटेशन में आपको बताया था कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट आता है, यानी ये वाली प्लेस पॉइंट की है 2 और 3 के दरमियान, तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है। अगर इस ओरिजिनल पोजीशन से हम बैकवर्ड जाएंगे तो एन की वैल्यू पॉजिटिव, अगर फॉरवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव होती है। अब वही कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यहाँ पे अगर यहाँ पे जहाँ मैंने इस वक्त कर्सर आपको शो कर रहा है 2 और 3 के दरमियान, अब पॉइंट जो है ये देखें इस वक्त कहाँ पे है, 9 से पहले, इसको मैंने बैकवर्ड लेके आना है यहाँ 3 और 2 के दरमियान, तो कितने डिजिट बैकवर्ड जा रहा हूँ, 1, 2, क्योंकि बैकवर्ड मूवमेंट है तो इसका तो कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, यानी डेसिमल को हमने फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पहुँचाना होता है, क्योंकि ये बैकवर्ड मूवमेंट है लिहाजा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू 2 आ जाएगी। दूसरा तरीका कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, 3, 3-1 के तो 2, आपको दोनों तरीके बता दिए। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक के बाद मेंटिसा की तरफ। अब मेंटिसा के लिए क्या करेंगे, 232.92 जो भी यहाँ पे डिजिट्स दिए हैं उसको 4 डिजिट तक राउंड ऑफ कर लेंगे, जैसे यहाँ मैंने किया 2329, और इसको 3 हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, यानी 2329, क्योंकि अगला डिजिट 5 से छोटा जाएगा 2329 लेंगे और 2 इग्नोर हो जाएगा, अगर ये 5 से ग्रेटर होता तो मैं 29 की बजाय 30 कर देता। अब आगे क्या करेंगे, इसको मैंने 3 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया, यानी फर्स्ट 2 डिजिट 23, इसलिए मैंने कलरिंग की है, ये जो ब्लू कलर है ये फर्स्ट पार्ट है, फिर ये 2 ये सेकंड पार्ट हो गया, और फिर गैप के साथ 9 ये थर्ड पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे कि लॉग का टेबल होता है उसके अंदर जाएंगे, उस टेबल में से 23 में पहले 2 के कॉलम में देखेंगे और फिर 9 को देखेंगे मेन डिफरेंस के कॉलम में। मैं आपके सामने यहाँ पे टेबल दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ आए कि कैसे करनी पड़ती है। ये देखें जी, ये हमारे पास लॉग टेबल पड़ा हुआ है, इसको कहते हैं लॉग टेबल, ये आपकी बुक्स में भी दिया होता है, आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है लॉग टेबल, जो भी लॉग टेबल होगा आपने कॉमन लॉग लेना है, क्योंकि टेबल और भी होते हैं जिसकी बेस 10 होती है। अब इसमें वर्किंग कैसे करनी है देखें, पहले इसको समझ लें कि ये ऊपर वैल्यूज दी होती हैं, यहाँ पे वैल्यू दी है 10, 11, 12, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं, उसके बाद जो सेकंड वाला पोर्शन है 0, 1, 2 से यानी 0 से लेकर 9 तक ये होगा, और फिर मेन डिफरेंस में 1 से लेकर 9 तक डिजिट्स दिए हैं, इनके वैल्यू हमने उठानी होती है। अब कैसे उठानी है ये अब आपको तरीका बताता हूँ। 3.2 ये देख, मैंने क्या किया कि 3.2
ये मैंने इसको 300 में डिवाइड किया, 23 को ज्यादा किया, 2 को ज्यादा किया और 9 को ज्यादा किया। अब हम पहले देखेंगे कि 23 को 2 के कॉलम में देखेंगे यानी फर्स्ट, और फिर जो आंसर आएगा उसको फिर मेन डिफरेंस में देखेंगे। ये देखें जी, यहां से हम लेंगे 23 के पास आएंगे। इसको आपने बहुत ध्यान से समझना है, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा टाइम लग भी जाएगा तो, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जब अंडरस्टैंडिंग होगी तो काम बनेगा। ये देखें जी, ये आ रहा है 23। अब 23 को किस में देखना था हमने? ट्वेंटी थ्री को देखना है 2 के अंदर, ये 2 है और फिर 9 है। तो पहले हम 23 को 2 में चेक करते हैं। ये देखें, ये है 23, ये 0, ये 1 और ये 2। 23 को जब 2 कॉलम में देखा तो वैल्यू आ रही है 3655। इसको आपने नोट कर लेना है जैसे कि मैंने, और फिर उसके बाद 3655 में आगे इसी रो में हमने आगे चलते जाना है, चलते जाना है, और 23 को 2 के बाद 9 में देखना था। तो ये देखें, लास्ट वाला ये 9 है, इसमें क्या वैल्यू आ रही है? 17। तो हमने इस दोनों रीडिंग को ऐड कर लेना है, यानी 3655 और 17, इन दोनों को हमने ऐड कर लेना है। ये देखें कि 0.36, अच्छा इसको ऐड करने के भी दो तरीके हैं, मैंने आपको दोनों तरीके समझाने हैं, क्योंकि वो आंसर डेसिमल में होता है और डेसिमल का मतलब है 4 डिजिट्स में होता है। अगर तो हम इसको डेसिमल के साथ लिखेंगे तो लिखेंगे 0.3655 और फिर प्लस कर देंगे, इसमें 17 था क्योंकि वो दो लास्ट डिजिट हैं, जैसे लिखेंगे 0.0017 ताकि 4 डिजिट्स पूरे हो जाएँ, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.3672। या दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं डेसिमल नहीं लगाना तो 3655 लिखेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 17, और दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3672, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे। इसको कहते हैं मेंटिसा। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे मेंटिसा, हमारा ये आ गया 0.3672। वापस चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। ये आ गया जी हमारा, जो भी हमने वहां पे वर्किंग की है। ये देखिए कि 23 को पहले मैंने 2 में देखा, वहां पे वैल्यू आ रही थी 3655। तो उसको दो तरीके हैं, एक 0 पॉइंट के साथ 3655 लिखें, और फिर जब मैंने इसको 9 में देखा तो वहां पे वैल्यू आ रही थी 17। तो जब पॉइंट लगाएंगे तो ये 0017 हो जाएगा, फिर दोनों को ऐड किया 0.3672। लेकिन अगर आपने डेसिमल के बगैर करना है तो फिर हम इसको यूँ लिखेंगे 3655 प्लस 17, दोनों को ऐड करेंगे 3672, और फिर बाद में इसके बाद पॉइंट पहले प्लेस कर देंगे। अब ये हमारा आ गया कैरेक्टरिस्टिक और ये आ गया मेंटिसा। तो जो लॉग की वैल्यू होती है वो इन दोनों का सम होती है, यानी कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 0.3672, और फिर कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं तो यह आंसर आ जाएगा 2.3672, यानी लॉग ऑफ 232.92 इज इक्वल टू 2.3672। अब इसको कंफर्म करने के लिए आप कैलकुलेटर पर लिखें लॉग, ये वैल्यू पुट करें तो आपका आंसर ये आ रहा होगा। लेकिन क्योंकि हमने एग्जामिनेशन में मार्क्स पूरे लेने हैं तो हमें इसका सारे प्रोसेस को शो करना पड़ता है। पार्ट नंबर 2, 23.326, 29.326। अगेन सबसे पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग। अब इसको पहले राउंड ऑफ करें 29326 को, क्योंकि ये 6 है, जैसे पीछे वाला डिजिट 2 की बजाय 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2933। ये देखें जी, मैंने इसको यहाँ पे 2933 कर लिया। अब 29 को पहले 3, पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं। वो उसका वही तरीका है कि डेसिमल देखें, यहाँ पे होना चाहिए था, तो यहाँ से हम 1 बैकवर्ड जा रहे हैं तो उसका तो कैरेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। दूसरा तरीका एन माइनस 1, कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 2, तो 2 माइनस 1 किया तो 1 आ गया। दोनों तरीके आपको समझाती है। अब मेंटिसा की तरफ चलते हैं। मेंटिसा के लिए अगेन हम क्या देखेंगे? 2933 को, ये 2933 को पहले 29 को देखेंगे 3 में, फिर जो उसका आ जाएगा टाइमिंग मेन डिफरेंस वो फिर 3 में देखेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। अब 29 को जब मैंने 3 में देखा तो वैल्यू आ रही है 0.4669, और जब मेन डिफरेंस में देखा तो आ रही है 0.004। अब दोनों को ऐड किया तो 0.4673, अगर हम डेसिमल के बगैर करेंगे
तो ये कैसा लिखा जाएगा, 4699 प्लस 4, दोनों को ऐड किया 4673 और फिर बाद में पॉइंट प्लेस कर दिया, ये हमारा मेंटिसा आ जाएगा। लेकिन एक और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे मेंटिसा निकालते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये देखें जी, लॉग टेबल में जाएंगे, अब हमने देखना है 2933 में, ये लॉग का टेबल आ गया। यहाँ से हम पहले 29 का कॉलम ढूंढेंगे, ये हमारे पास आ गई 29 की वैल्यू। अब ये 0, 1, 2, 3, तो 29 को फर्स्ट थ्री में देखा तो 4669 आ गया। फिर इसी रो में आगे जाते जाएंगे, मेन डिफरेंस में ये 1 है, ये 2 है और ये 3, ये देखिए 4 आ गया। तो इन दोनों को अब हम ऐड कर लेंगे, ये देखिए 29 को 3 में देखा 4699 था, 4669, और फिर 3 में मेन डिफरेंस देखा तो वो था 4। तो डेसिमल के साथ भी हम करके देख सकते हैं, और मैंने कहा वैसे भी ऐड कर लें उसके बाद पॉइंट लगा दें। तो अभी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1 और मेंटिसा आ गया हमारा, इन दोनों को ऐड करने के बाद 0.4673, और फिर हम उसकी वैल्यू वैसे पुट कर देंगे। स्लाइड में दिखाता हूँ आपको कैसे किया, सॉरी करंट स्लाइड चलानी थी। इसमें इसको क्योंकि समझाना जरूरी है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग भी जाए तो कोई इशू नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ये देखें 29.326 का कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1, कैसे निकाला कि नंबर ऑफ डिजिट्स थे 2 में से 1 माइनस के 1, या यहाँ पे इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए 2 और 9 के पोजीशन पे अगर ये होता तो यहाँ पे आना था। तो ये देखें यहाँ से 1 यूनिट बैकवर्ड गए इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। मेंटिसा की वैल्यू 29 को पहले हमने 3 में देखा तो हमारी वैल्यू आई 4669, और फिर उसको आगे मेन डिफरेंस 3 में देखा तो 4 आ गया, दोनों को ऐड किया 4673, फिर पॉइंट प्लेस कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 1 प्लस 0.4673 इज द रिक्वायर्ड लॉगरिथम ऑफ 29.326। पार्ट नंबर 3, 0.00032। अब अगेन ये डेसिमल में आ गया, अभी जो हमने देखे थे वो होल नंबर थे यानी डेसिमल के बाद जीरो नहीं थे, तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है एन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज वही तरीका करेंगे। पहले लिखेंगे टेकिंग लॉग, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगा देखें, पहले इसकी ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे आनी है, 3 के बाद फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद पॉइंट आना है, इसका तो यहाँ पे आनी है। तो अब यहाँ से देखें डेसिमल से कितना 1, 2, 3 और ये 4 यूनिट्स हम आगे आए हैं, इसका मतलब है 4 बार। अब बार यानी ऊपर लगाते हैं, लेकिन क्योंकि मेरे पास कंप्यूटर में ऑप्शन नहीं है तो ये मैंने नीचे अंडरलाइन कर दिया, लेकिन आपने इसको 4 बार लिखने, बार ऊपर लिखा जाता है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अगर हम एन वाले मेथड से देखें तो एन वाले मेथड से भी आसान ही है कि उसका फार्मूला क्या होगा, माइनस एन माइनस वन। फिर हम देखेंगे यहाँ पे देखें ये आ रही वैल्यू, कि फिर हम यहाँ पे जब माइनस एन लिखेंगे तो हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद और डिजिट से पहले कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ये हैं 1, 2, 3, और फिर ये हो जाएगा माइनस 3, और फिर उसमें से माइनस 1 कर देंगे तब भी माइनस 4 आ जाएगा। ये मैं आपको वर्किंग में दिखाता हूँ दोनों तरीके से। ये देखें माइनस एन माइनस 1 कब, जब हमें पॉइंट के पास जीरो दिए हों, तो फिर हमने इसको ओरिजिनल पोजीशन पे 3 के बाद लाना था। तो देखें नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं इस डिजिट से पहले, 3, 1, 2, 3, तो ये हमारा माइनस एन हो जाएगा और फिर माइनस 1 फार्मूले का। तो माइनस 3 माइनस 1 किया तब भी माइनस 4 आ गया। या दूसरा तरीका कि यहाँ से मूव करा के यहाँ तक आएँ, क्योंकि राइट फर मूवमेंट है तो नेगेटिव होगा पावर जो होती है नेगेटिव। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो ये एन की वैल्यू सॉरी कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव हो जाएगा, 1, 2, ये 3 और ये 4 पॉइंट पे, तो इसको हम लिखेंगे 4 बार। अब मेंटिसा निकालने का वही तरीका है कि 32, ये 0 तो खत्म हो जाएंगे, 32 आ जाएगा और उसके साथ 2 आगे 0 लगा लेंगे। ये देखें 3200, अब 32 को पहले 0 में देखेंगे। अच्छा एक बात याद रखनी, मेन डिफरेंस होता है वो 0 में नहीं होता, या 32 को सिर्फ 0 में देखेंगे तो वहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.5051 या 5051 हम इसको लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास आगे मेन डिफरेंस 0 में नहीं होता। तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया।
हैंस लॉग ऑफ 0.0032 इज इक्वल टू, अब कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 बार प्लस 0.5051। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, 0.3206, अगेन सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे क्योंकि देखें डेसिमल यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा 3 और 2 के दरमियान, इसका मतलब है फर्स्ट यानी एक डिजिट हम आगे गए हैं तो माइनस 1 इसका बन जाएगा। अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास डेसिमल से पहले कोई नंबर नहीं है यानी 0 है, तो 0 एन माइनस 1 करेंगे तो 0 माइनस 1 करेंगे तब भी माइनस 1 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा हमारा माइनस 1, जिस मर्जी एंगल से करके देखें 0 माइनस 1 करेंगे तो भी माइनस 1, या अगर यहाँ से बैकवर्ड मूवमेंट देखें सॉरी फॉरवर्ड मूवमेंट, यहाँ 3 के यहाँ दोनों के दरमियान आएगा तो 1 डिजिट हम फॉरवर्ड आए हैं तो इसलिए एन की वैल्यू सॉरी सी की वैल्यू माइनस 1 होगी। अब मेंटिसा के लिए 3, 2 को 0 और 6 से स्प्लिट करेंगे, 32 को पहले 0 में देखेंगे और फिर मेन डिफरेंस 6 में देखेंगे। जब हमने 32 को 0 में देखा तो वैल्यू आ रही है 0.5051 और मेन डिफरेंस में 6 के नीचे आ रहा है 8, तो ये जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये 4 डिजिट पूरे करने हैं, इसको भी 0.0008 करके लिखेंगे या 5051 प्लस 8 करेंगे और फिर डेसिमल प्लेस कर देंगे। ठीक हो गया, अब हमारा दोनों को ऐड कर देंगे कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो लॉग ऑफ 0.3206 इज इक्वल टू 1 बार या माइनस 1.5059 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब इसमें क्या है, लॉग 31.09 की वैल्यू गिवन है 1.4926, इसका मतलब है ये पहला हिस्सा कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है और ये वाला 4 डिजिट्स मेंटिसा को शो कर रहा है, इसका था इसमें हमने खुद से कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा नहीं निकालना, एग्जामिनर ने आपको निकाल के दिया हुआ। अब फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट 1, लॉग 3.109, यानी अब कहता है अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी जबकि ये वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम देखेंगे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले देखें सिर्फ फर्क किस पे पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक पे, क्योंकि जब हमने मेंटिसा लेना है तो हमने 4 डिजिट राउंड ऑफ करने होता है 3109, तो इसकी वैल्यू उसने दी हुई है 0.4926, इसका था मेंटिसा हमारा कभी भी नहीं चेंज होगा क्योंकि यही 4 डिजिट रहेंगे, हम राउंड ऑफ करते हैं, हर दफ़ा हमारा कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा ये देखें, क्योंकि जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो पहले ही फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बाद दी हुई है, इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक हमारा 0 होगा, या दूसरा तरीका एन माइनस 1 कि एक डिजिट है तो 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। ये देखें एन माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, क्योंकि डेसिमल से पहले एक ही डिजिट था तो ये 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 का 0, या देखें क्योंकि ये पहले ओरिजिनल पोजिशन पर था लिहाजा हमारा कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, मेंटिसा हमारा यही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, 0.4926 ही रहेगा, लिहाजा सो लॉग ऑफ 3.109 इज, इन दोनों को ऐड कर देंगे 0.4926 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, लॉग 310.9, अब देखें हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 थ्री डिजिट हैं तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, या दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि डेसिमल जो है यहाँ से मूव होके यहाँ 3 के बाद आएगा, यानी 2 डिजिट्स हम बैकवर्ड गए हैं तो इसका मतलब बैकवर्ड जाएंगे तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव होती है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 2 हो जाएगा। सो कैरेक्टरिस्टिक आ गया पॉजिटिव 2, मेंटिसा हमारा चेंज नहीं होगा क्योंकि जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो यही वैल्यू आएगी, लिहाजा हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। सो लॉग ऑफ 310.9 इज इक्वल टू 2.4926, यानी इसमें भी सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुआ मेंटिसा नहीं। थर्ड पार्ट, लॉग ऑफ 0.003109, अगेन कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा, अब क्योंकि 2 0 है फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले तो ये हो जाएगा माइनस है यानी माइनस 2 और फिर माइनस 1 तो माइनस 3 आ जाएगा, या दूसरा तरीका यहाँ से मूव कराए इसको और 3 तक लेके आए तो देखें 1, 2 और 3 3 डिजिट्स हम फॉरवर्ड गए हैं लिहाजा हमारा कैरेक्टरिस्टिक माइनस 3 हो जाएगा। ये देखें माइनस एन माइनस 1 करेंगे तो देखें डेसिमल नंबर से पहले 2 डिजिट थे ये माइनस एन हो गया, फिर माइनस 1 फॉर्मूले का किया तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 हो गया, और अगर हम मूवमेंट के हिसाब से देखें
कि डेसिमल यहाँ से मूव होकर यहाँ तक आया तो थ्री पेसेस आगे आया, फॉरवर्ड हुआ है, तो कैरेक्टरिस्टिक माइनस थ्री हो जाएगा, मैंटिसा चेंज नहीं होगा। हैंस लॉग ऑफ 3.109 इज इक्वल टू 3/0.4926। लास्ट पार्ट लॉग 0.3109, अब देखें यहाँ पे डेसिमल थ्री से पहले आ गया, तो इसको उठा के जब हम यहाँ लेके आएंगे तो वन पेस या वन डिजिट हम फॉरवर्ड गए हैं तो सी हमारा माइनस वन हो जाएगा। दूसरा तरीका कि हमारे पास डेसिमल से पहले नंबर ऑफ डिजिट जीरो है तो जीरो माइनस वन करेंगे तो माइनस वन ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस एन है ना, तो एन का मतलब यहाँ पे है ही कोई नहीं, पॉइंट के बाद कोई जीरो नहीं है इस डिजिट से पहले, तो वो जीरो ही हो जाएगा, तो जीरो माइनस वन करेंगे तो भी माइनस वन। तो कैरेक्टरिस्टिक आया माइनस वन, मेंटिसा सेम रहेगा, दोनों को ऐड करके लिख दें, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगम हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। अब ये उसका रिवर्स है कि पहले हमें एक नंबर दिया हुआ था उसका हमने कॉमन लॉगरिथम कैलकुलेट करना सीखा, अब हमें कॉमन लॉगरिथम दिया हुआ है, सवाल ये पूछा है कि ये कौन सा नंबर है जिसका ये कॉमन लॉगरिथम है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका एंटी लॉग निकालेंगे। अगेन प्रोसेस को ध्यान से समझना है, अगर ये समझ आ जाएगा तो जब हम 3.4 करेंगे तो वहां पे ये आपके काम आएगा, बार बार में जिसमें आने की जरूरत पेश नहीं आएगी। सबसे पहले लिखेंगे लेट लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ये हमें लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, वो नंबर क्या है, वो नंबर एक्स है और उसका लॉग हमें निकाल के दिया हुआ है। अब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है और ये इसका मेंटिस है, यानी थ्री इसका कैरेक्टरिस्टिक है और 0.5621 इसका मेंटिस है। अब हमने ये देखना है कि वो नंबर कौन सा है कि जिसका ये लॉगरिथम दिया हुआ था। अब अगेन प्रोसेस को पहले समझना है, सबसे पहले हमने पिछले सवालों में क्या किया था कि जो डिजिट्स दिए थे उसको हमने फर्स्ट फोर डिजिट्स को राउंड ऑफ करना होता था, इसमें आपने डिफरेंट है, इसमें हमने जो हमारा इंटेग्रल पार्ट है उसको इग्नोर कर देना है, जो डेसिमल के बाद यानी मेंटिसा वाले सिर्फ हमने इसको देखना है चार डिजिट्स को, ये पहला वाला डेसिमल से पहले वाले को इग्नोर कर देना है, डेसिमल के बाद वाले चारों डिजिट्स को हमने देखना है, अगर चार नहीं है तो जीरो लगा के पूरे कर लेने हैं, यानी 0.5621, तो 5621 को हमने ब्रेक करना है जैसे पहले किया था, ये देखें 56 को फिर 2 में देखेंगे और फिर 1 में, लेकिन अब टेबल कौन सा होगा, एंटी लॉगरिथम वाला टेबल आपको दिखा देता हूँ, ये है जी हमारा टेबल एंटी लॉगरिथम का, ये उसके ऊपर लिखा होगा कि एंटी लॉगरिथम, ये एंटी लॉग टेबल, ठीक है। आगे प्रोसेस का भी वही है कि हमने किसमें देखना था, 56 को देखना था, पहले हम 56 में जाएंगे, फर्स्ट कॉलम में 56 को ढूंढेंगे, ये आ गया जी हमारे पास 51, 52, 53, 54, 55, ये आ गया जी 56, ठीक है, उसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, ये देख अब ठीक है 56, ये देख ये आ गया जी हमारा 0.56 यानी 56। अब 56 को किस में देखना था हमने, ये याद रखना होता है, 56 को हमने देखना था 2 और फिर 1 में, ये देखें 2 और फिर 1, तो पहले 56 को 2 में देखते हैं, 56 को ये 0 है, ये 1 है, ये 2 आ गया, हमारा आंसर आ गया 3648 3648, यानी 3648 और फिर 1 में आगे इसी में देखें 1 में ये आ रही हमारे पास वैल्यू 1, तो 3648 प्लस 1 करेंगे तो 3649 आ जाए। वापस चलते हैं और स्लाइड में चलते हैं, वापस करंट स्लाइड खोल लेते हैं दोबारा, ये देख यानी 56 को 2 में देखा तो 3648 था और फिर मेन डिफरेंस में देखा 1 तो वहां पे 1 था, दोनों को ऐड कर दिया 3649 आ गया, यानी सबसे पहले हमने अपना मेंटिसा तलाश कर लिया। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, अब हमने देखना है कि ये 3649 तो आ गया हमारे पास चार डिजिट, वो हमने यहाँ पर लिख देना, अच्छा पहले इसको समझ लें कि लॉग एक्स की वैल्यू आ गई, फिर इसको लॉग को ख़त्म करने के लिए हम लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, ये स्टेप्स हैं,
ये मैंने पहले आपको सुनाना शुरू कर दिया, लेकिन पहले ये इसके स्टेप करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट, पॉइंट चेंज करना, लेट लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब लॉग को खत्म करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं, लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, एंटी लॉग ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 3.5621। इसको मैंने रेड किया है, इसकी लॉजिक है कि जब हमारा ये आंसर आ जाएगा 3649, इसके अंदर डेसिमल प्लेस करना है किसके मुताबिक, इस थ्री के मुताबिक, इस कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक। ठीक है, सबसे पहले तो आपने ये काम करना है, एंटी लॉग लॉग को कट कर देते हैं, वो पहले कट करके दिखा दूँ, एक दफ़ा कट करके दिखा दूंगा, फिर आइंदा आपने खुद ही कट कर लेना। ये एंटी लॉग और ये लॉग एक दूसरे को कट कर देते हैं, अब हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स। सो एक्स इज इक्वल टू 3649। अब हमने देखना है कि डेसिमल मैंने कैसे प्लेस किया, वो आपको समझाना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सिर्फ डेसिमल पोर्शन को लिया 5621 को, इसको 300 में ब्रेक किया 5621। 56 में एंटी लॉग के टेबल में देखा वैल्यू आ रही थी 3648, कॉमन डिफरेंस 2 में जाकर देखा 3648, और फिर मेन डिफरेंस में देखा 1, दोनों को ऐड कर लिया 3649 आ गया। अब हमने प्लेस करना है डेसिमल। अब डेसिमल प्लेस करने के भी अगेन दो तरीके हैं, एक तो ये तरीका है कि हम देखेंगे कि जो हमारा आंसर आया वो क्या है 3649, ये मैंने लिखा 3649। अब ये क्वेश्चन मार्क बता रहे हैं कि डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे होना चाहिए, थ्री के बाद, यानी थ्री और सिक्स के बीच में होना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, थ्री, पॉजिटिव थ्री है, इसका मतलब है यहाँ से हम आगे राइट साइड पे तीन पेस आगे चले जाएंगे, 1, 2 और 3, यानी डेसिमल जो हमारा 9 के बाद जाके लग जाएगा, 3649.0 लिख सकते हैं। ये सर समझाने के लिए लगाया है, लेकिन क्योंकि पॉइंट के बाद जब कोई जीरो ना हो या कुछ ना हो तो लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझाने के लिए कि डेसिमल यहाँ से मूव करके 1, 2 और 3 यानी 9 के बाद चला जाएगा, लेकिन डेसिमल यहाँ पे आ जाए तो हमारे पास आ जाएगा, यानी वो कौन सा नंबर है, एक्स की वैल्यू है 3649, जिसका लॉगरिथम जो है वो 3.5621 था। अब दूसरा तरीका एन प्लस वन वाला फार्मूला, कि जब भी हमें ये जो रेड वाली लाइन में जो हमें कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है, इस कैरेक्टरिस्टिक में जब हमने एंटी लॉग के जरिए रिवर्स करना है तो डेसिमल कैसे प्लेस करना है, इसमें वन ऐड कर दें। ये देखें फॉर्मूला में लिखा है एन प्लस वन, और एन क्या है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारा, ये हमारा एन है, इसमें वन ऐड कर दें, तो 1 + 3 कर दिया तो 4 आ गया, तो देखें 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दें, 1, 2, 3 और 4, ये डेसिमल लगा। दोनों तरीके आपको समझा, फिर समझ लें कि पहला तरीका क्या है, डेसिमल की पोजीशन को पहले लोकेट करें, फिर वहाँ से देखें कितने यूनिट फॉरवर्ड जा रहे हैं, जितने यूनिट फॉरवर्ड गए हैं उतनी पावर और सॉरी उतने वहाँ पे जाके डेसिमल को प्लेस करते हैं। दूसरा कि ये जो रेड वाला हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें 1 ऐड कर दें तो आंसर हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, -1.7427। अब देखें इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारा नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, प्रोसेस वही होगा, क्योंकि ये हमें इसको इग्नोर कर देंगे, 7, 4 और 2, 7 को हम स्प्लिट करेंगे, ये देखें 7, 4 फिर 2 और 7। अब एंटी लॉग टेबल में जाएंगे 74 में, पहले 2 में देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है, वो वैल्यू हमारी आ रही है 5521, फिर आगे मेन डिफरेंस 7 में जाकर देखेंगे वैल्यू क्या आ रही है, वो आ रही है हमारी 9। अगेन आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आ रही है, 74 को 27 में देखना हमने, एंटी लॉग की टेबल में देख 74 पहले ढूंढें, फर्स्ट कॉलम में 0.74 या 0.74 ढूंढ लेते हैं, ये आ गया जी हमारे पास 0.74, ठीक हो गया। अब इसको 27 यानी 2 में, ये 0 ये 1 ये 2 यानी 5521, एक ये वैल्यू आ गई, और फिर इसी रो में आगे चलते जाएंगे यहाँ पे 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 9 आ गया,
इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे। ये देखें के 5521 था, स्लाइड ऑन कर लेता। मैंने आपको कहा था क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है और थोड़ा सा इसमें मैनुअल काम ज्यादा है, लिहाजा इसको बड़ी तसल्ली से एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूं ताकि आपने जब टेबल के जरिए कैलकुलेशन करनी तो आपको सारा तरीका समझ आ जाए। ये देखें जी 74 को हमने 2 में देखा, पॉइंटर चेंज कर लो, 74 को जब हमने 2 में देखा तो वैल्यू थी 5521, और फिर मीन डिफरेंस 7 में देखा तो वहां पे वैल्यू आ रही थी 9, दोनों को ऐड कर दिया 5530 आ गया। अब यहाँ पे प्रोसेस पूरा कंप्लीट करेंगे, ये लॉग एक्स था, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड लिखेंगे, लॉग और एंटी लॉग को फिर कैंसिल करेंगे, लॉग और एंटी लॉग को फिर कैंसिल करना है पहले ताकि एक्स की वैल्यू रह जाए, ऊपर भी वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया, उसको दोबारा कर देता हूँ, ये एंटी लॉग और ये लॉग एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसी तरह नीचे भी। ये एंटी लॉग और ये लॉग एक दूसरे को कट कर देते हैं, अब हमारे पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा एक्स। ठीक हो गया, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस, इसका एंटी लॉग लिया हमने, एंटी लॉग हमने निकाल लिया, वो आ गया 5530। अब हमने डेसिमल प्लेस करना है, तरीकाकार क्या है, दो तरीके कि यहाँ पे आना चाहिए था जो इसका आंसर है 5530, तो डेसिमल हमारा कहाँ है, दोनों फाइव के दरमियान, तो यहाँ से हमने डेसिमल लाना था। अब हम देखेंगे हमारे पास डेसिमल की ओरिजिनल पोजीशन क्या है, उसके बाद हम उसको प्लेस कर देंगे। ये देखें, ये आपको समझाने के लिए मैंने कहा 5530 डेसिमल यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है -1, तो इसका मतलब माइनस है, तो यहाँ से हम बैकवर्ड जाएंगे, एक डिजिट बैकवर्ड आएंगे, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा, तो एक डिजिट बैकवर्ड गए हैं तो इसलिए 0 पॉइंट लगेगा। ठीक है, एक डिजिट बैकवर्ड गए -1 की वजह से, तो 0.553। दूसरा तरीका n+1, अब n है हमारे पास कितने डिजिट हैं यहाँ पे -1, और इसमें +1 कर देंगे तो देखें 0 आ गया, ये देखो 0 आ गया। यानी जब भी हमने एंटी लॉग लेना है तो हमने ये देखना है कि जो डेसिमल की प्लेसमेंट है, जो हमारा आंसर आया है वो यहाँ पे होनी चाहिए, अगर इससे आपने राइटवर्ड जाना है तो जितने यूनिट आगे गए हैं उतना वहाँ पे जाके डेसिमल को प्लेस कर देंगे। इसके ऊपर डिपेंड करेगा इसकी ये वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करेगा कि कितने यूनिट आपने फॉरवर्ड इसको मूव करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस हो जैसे यहाँ पे है तो हमने इसकी ओरिजिनल प्लेस पर आके देखना है कि हमने कितने यूनिट बैकवर्ड जाना है, जहाँ जाना है वहाँ पे जाके पॉइंट को प्लेस कर देंगे। दूसरा तरीका कि यहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक दिया है n+1, इसमें +1 कर दें, जो आंसर है डेसिमल को उतने पेसेस आगे या पीछे मूव कर दें। उम्मीद आपको समझ आया होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि आगे हमने एक्सरसाइज 3.4 करनी है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, उसमें दोनों स्टेप्स दोबारा यूज करेंगे, हमें कॉमन लॉगरिथम भी लेने आना चाहिए और उसका एंटी लॉग लेना भी आना चाहिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। अच्छा, एक ये भी तरीका है कि हम जो ये 4 वाला क्वेश्चन है इसको हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, अभी हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है और इसको बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था और इसमें मैनुअल काम काफ़ी करना पड़ता है। मैनुअल का मतलब है आपने देख ही लिया कि हमें टेबल को भी यूज़ करना है, कैरेक्टरिस्टिक का भी देखना है, मेंटिसा का भी देखना है। पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखें, और मैंने वैसे एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया एक्सरसाइज का, ताकि जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें या इसके अलावा कोई क्वेश्चन करें तो आपको कॉमन लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम दोनों निकालने का तरीका आना चाहिए, फिर ही हम अगले क्वेश्चन करेंगे और 3.4 कर सकेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं कि वो इस वीडियो को पसंद करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दें, और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा लेक्चर देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ इंशाल्लाह।
3.2 के सेकंड लेक्चर के साथ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 करेंगे। दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जाना चाहूंगा, अल्लाह।